प्रेस से शुरू होता है हमारा व्लॉग और आज था मंजिला रोज़ा जो है ना जिस पे हम इफ्तारी बांटते हैं हर साल। आपको मैं व्लॉग दिखाती ही हूँ और हम इकट्ठी इफ्तारी सबको बांट देते हैं कि बिल्डिंग में हमारे आसपास पड़ोसियों को। और मैंने नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह से और जो है ना तस्बीह भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह आपको भी पढ़नी चाहिए जैसे मैंने अभी बताया और अब मैं पढ़ूंगी कुरान पाक। और बस यही हमारा रूटीन होता है, कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है ना अब मैं बैठ जाऊंगी कचालू बनाने की। तो जब बांटे होते हैं तो एक तो शीरा उनमें बनना ज़रूरी है, इफ्तार से पहले बांट देने चाहिए ताकि किसी के यहाँ कुछ बन रहा हो तो वो कम बैठती कर ले, या जिनके यहाँ नहीं बनता उनको भी जो है ना पता चल जाए पहले से कि हाँ भाई हमें जो है आज इफ्तार यहाँ से आया है या नहीं आया है। तो बस अब जल्दी से उठेंगे और फिर कुरान पाक पढ़ेंगे, उसके बाद फटाफट से फ्रूट्स बनाएंगे मतलब कचालू बनाएंगे। हमारे यहाँ तो कचालू बोलते हैं जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में बोला था। हम बना रहे हैं कचालू और उसके लिए मैं जल्दी से बैठ गई थी क्योंकि देर में बनता है ना तो मतलब देर से पहले से ही बना के रखने पड़ते हैं फ्रूट्स। और यहाँ मैं सब ला के रख रही हूँ, सारा सामान जो है ना किचन में वैसे इतना फैलावा होता है, सब कुछ मम्मी पहले से ही करके रख लेती है जो है ना, कचालू जो है मैं बना लेती हूँ और बाकी सब मम्मी कर लेती है। अभी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊँगी कि कैसे कैसे हमने जो है क्या पकाया और क्या बनाया है। इफ्तारी बांटनी होती है तो हमें सुबह से ही लगना पड़ता है क्योंकि टाइम कैसे ही जाता है ना पता ही नहीं चलता। अभी वैसे ही इतनी जल्दी रमज़ान ऐसा लगता है अभी आए थे और अभी मतलब आधे रमज़ान हो ही चुके हैं पूरे और जो है ना बस ऐसा लग रहा है यूं ही आए और यूं ही जाने लगे बस जल्दी जल्दी, और दिन भी पूरा ऐसा जाता है कि पता ही नहीं चलता सुबह उठो और यूँ ही शाम हो जाती है। और
इसलिए जो है ना हमें सुबह से ही सब कुछ करना होता है, मम्मी कर लेती है, मैं तो हर फ्रूट्स वगैरह या ऊपर का जो काम होता है वो करा लेती हूँ, बाकी तो मम्मी खुद ही करती हैं। और सुबह ही मम्मी ने आलू वगैरह काट के रख दिए थे, तो मैं मम्मी से कह भी रही थी कि इतनी जल्दी क्यों काट रहे, तो कहना कि बेटा शाम में तुम्हें पता चलेगा, जब टाइम यूँ ही भागता है और पता ही नहीं चला, मम्मी 2 घंटे पहले खड़ी हुई थी, तो मतलब पका के फिर उनको प्लेटों में सजा के और देना भी होता है, तो इसलिए ना उसमें टाइम भी लगता है, और फिर खुद भी इफ्तार करना होता है, और टाइम से पहले सबको मिल जाए ताकि वो लोग भी इफ्तार कर ले जिनको हम दे रहे हैं। और सबसे पहले आपको जो है ना आस पड़ोस में देखना चाहिए और उनको भी देना चाहिए जिनके घर इफ्तारी नहीं हो पाती, आपको आपको जितना हो सके आप उतना जो है ना रमज़ानों में इफ्तार बांटें, खाने जो है ना खाना बांटें लोगों को दें, और बस यही एक चीज़ का ना रमज़ानों में डबल सवाब मिलता है हर चीज़ का, और बस। लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा और हमें दूसरों की खुशी में ही खुश होना चाहिए, अल्लाह फिर अल्लाह पाक जो है ना आपको भी वैसी खुशियाँ देते हैं, और बस यही होता है, और आप लोगों को खुद भी खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। रमज़ान जो है ना बरकतों का महीना होता है और बरकतें इतनी हो जाती हैं कि आप कभी सोचो भी ना कि आज जो है पेट भरा हुआ है या कुछ खाने का मन नहीं है, कम इफ्तारी बनाएंगे तो भी इफ्तारी जो है ना बढ़ ही जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है अल्लाह पाक इतनी बरकत दे देते हैं, और बस दस्तखान जो है ना आप लोगों के बढ़ जाते हैं, सबके ही बढ़ जाते हैं, और जो है आपको बढ़ाने भी चाहिए, ये महीना ही जो है ना बरकतों का होता है माशाल्लाह, और सब चीज़ें बाज़ारों में भी ऐसी रौनक हो जाती है, चांद रात लगते ही जो है ना ऐसी आसमान में ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने रौनक की जो है ना चादर बिछा दी हो, और जैसी ईद की चांद रात होती तो वो अलग सा माहौल हो जाता है, मतलब अलग ही लगता है बहुत ज़्यादा। और पूरे रमज़ान जो है ना, वैसे तो आप आम दिनों में इधर उधर की बातें हो ही जाती, लेकिन रमज़ान में जो है बिल्कुल आप उस चीज़ का एहतराम करते हो, ये रोज़ा रखते हो तो भाई हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए या कुछ जो है ना ऐसा ना हो, रोज़ा हमें रोक के भी रखता है, और सिर्फ रमज़ान में ही नहीं हमें आम दिनों में भी अपने आप को ऐसी जो है ना रखना चाहिए, रोज़े हमें यही सिखाने के लिए होते हैं कि आम दिनों में भी आपको इसी तरह तरीके से रहना चाहिए, इसी तरीके से दीन इस्लाम पर चलना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दुआएँ करनी चाहिए सबके लिए, आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखना, और
यहाँ कचालू बन के हो गए हैं तैयार। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में कि किचन में क्या क्या हो चुका है। तो मैं जब तक कचालू बना रही थी, मम्मी ने बहुत कुछ किचन में सब कुछ डन कर दिया था, तो मैंने कहा वीडियो अब जो बन गया उसकी बना लो। यहाँ दाल, चने की दाल है वो बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ रात की सहरी की खाने की भी साथ साथ मम्मी तैयारी कर रही हैं। और ये रखा है पालक जो अभी तला जाएगा, साथ में रखे आलू जो मम्मी ने सुबह ही काट के रख दिए थे, और ये घुला हुआ है बेसन। और यहाँ पापा धो रहे हैं रात के खाने के लिए गोश्त। हम सब साथ मिलके काम करते हैं, सबको हेल्प करानी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ सब हस्बैंड्स को ना अपनी अपनी वाइफ्स की हेल्प करानी चाहिए। मैं और जो है ना, मेरी तो शादी हुई नहीं लेकिन मम्मी पापा को मैं देखती हूँ, तो सबको ऐसी हेल्प करानी चाहिए और अच्छा भी लगता है। साथ में आप मिलके सब पूरा घर मिलके काम करते हो, काम बढ़ जाता है, काम अच्छा होता है। और साथ में मिलके काम करते हो ना माशाल्लाह से, तो आप जो है बहुत मतलब अच्छा लगता है, हंसी मजाक भी होता रहता है साथ साथ में, और काम बढ़ भी जाता है और पता भी नहीं लगता कब टाइम बीत गया। और यहाँ मम्मी तल रही हैं आलू के पकौड़े, तो मैंने ये वाली क्लिप ले ली और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये ऐसे तल के बुलबुले से उठने लग जाते हैं ना इसके अंदर। अब यहाँ मैं निकालने आ गई हूँ घर के लिए कचालू अलग से, फिर जो है ना इसी में से निकाल के, ताकि सबको इक्वली शीरा वगैरह सब कुछ बढ़ जाए, तो एकदम बहुत सारा पतीली में ऊपर से एकदम हो जाता है ना, तो सबको बराबर का बट नहीं पाता है। तो मम्मी ने बोला पहले निकाल लो, फिर उसके बाद सबके लिए मिक्स कर करके निकालेंगे, क्योंकि हमारे ही होता है कोई चीज़ कोई कम खाता है, कोई चीज़ कोई ज़्यादा खाता है फ्रूट्स में भी। और यहाँ पे फ्राइम तल के तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पालक के पकौड़े तले जा रहे हैं, और यहाँ पे हम सब टिफ़िन वगैरह निकाल रहे हैं सामान देने के लिए। बर्तन जो है ना यही होता है किस में दे किस में नहीं दे, डब्बों इतने डब्बे जो है ना फिर हो जाते हैं सब इकट्ठा ले जाने में भी और निकालने में भी बहुत जो है ना वो होता है। फिर यहाँ डब्बे निकाल के धो के उनके अंदर अब मैं निकाल रही हूँ कचालू, और साथ में निकालने का काम मेरा होता है, मैं निकाल देती हूँ, फिर मम्मी पका लेती है और पापा बांट के आ जाते हैं, तो हम तीनों आपस में ऐसे काम बांट लेते हैं। और इस यहाँ पर मैंने सारे कचालू निकाल लिए हैं। बाद यहाँ पे जो है ना सब बस ये हो रहा था, तले जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, बस पकोड़े जो है सब पैक हो रहे थे खाने के लिए, और दाल वगैरह सब कुछ इसी तरीके से अखबार में पैक करके ठीक से देनी चाहिए, ताकि जो है ना सामने वाले को भी अच्छा लगे कि हाँ भाई अच्छे से प्रेजेंटेशन हुई, अच्छे से सब हुआ। यहाँ मैं सब अंदर लेके जा रही थी ताकि जो है ना मैं सब कुछ पैक कर करके रखती हूँ और फिर देने के लिए हो जाए। और फिर जो है ना यहाँ पे बस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। और यहाँ पे निकल रहे थे दाल, इसी तरीके से अच्छे से फॉइल वॉइल लगा के पैक करके देनी चाहिए। और इसको निकालते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे ज़्यादा बातें आती थी ब्लॉग में करने के, क्या करूँ मैं भी सोच सोच के सबसे बोल के क्या भाई क्या बोलूँ क्या बोलूँ। मैं लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, वो इतना इतना बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से रमज़ानों में तो फिर हलक भी सूखता है आप ज़्यादा ब्लॉग में बोलो रोज़े रख के। यहाँ मैं रख रही हूँ खजूरें, और उसके बाद यहाँ मैंने कर दिया इसको पैक, और अब इसको लेके जाएंगे अंदर सारे सामान के साथ रख देंगे, ताकि अलग अलग निकाल के रखना पड़ता है ना, कभी किसी के साथ का कोई मिक्स ना हो जाए।
तो इसलिए सबका अलग अलग निकाल के यहाँ मैं एक साथ इकट्ठा करके रख रही हूँ।